वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्यों के राशन कार्ड धारकों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत निःशुल्क राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पहला चरण पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल माह से नवंबर माह तक चलाया गया। 8 माह में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 56,21,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 2,69,000 मीट्रिक टन चना निःशुल्क वितरित किया। इस वर्ष पिछले 3 महीनों में 21,14,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको राशन सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी।